हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 के जनरल केमिस्ट्री का लेसन में देखेंगे। हमने पहले देखा था कि पदार्थ को कैसे बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, उसका अध्ययन कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनकी अभिक्रियाओं को लेकर कुछ नियम जो है प्रतिपादित किए गए हैं। ये नियम रासायनिक दृष्टि से अगर देखे जाएं केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नियम जो होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, तो पहला जो नियम आता है आपका वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या कहा जाता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। वो द्रव्यमान जो होता है वो कंटिन्यू बना रहता है। इसमें किसी भी प्रकार से द्रव्य में ना तो द्रव्यमान द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसको द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। ऐसा किस लिए बोलते हैं? क्योंकि द्रव्य को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं, इसीलिए इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार भी जाना जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है भैया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि द्रव्यमान जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है, ना तो वो घटेगा और ना तो वो बढ़ेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कि हम जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है अभिकारक, और अभिकारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद में क्या बनाते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी भी क्रिया को करवाने के लिए 100 ग्राम अभिकारक लेते हैं। हमने 100 ग्राम अभिकारक लिया किसी भी क्रिया को करवाने के लिए, और उसके बाद में जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद भी 100 ग्राम का ही होगा। ठीक है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं या द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। आप यह समझ के चलिए कि जो अभिकारक की मात्रा होगी और उत्पाद की जो मात्रा होगी वो दोनों आपस में सदैव बराबर रहेंगी। इसको इस फार्मूले के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि अभिकारक की मात्रा, अभिकारक एक हो या दो हो या तीन हो, जितने भी हो, अभिकारक की टोटल मात्रा को हम जो है जोड़ लेंगे, ठीक है, बराबर उत्पाद की मात्रा। और सेम बात उत्पाद के ऊपर भी लागू होती है, उत्पाद एक हो या दो हो या तीन हो, लेकिन जितना अभिकारक रहेगा उत्पाद भी उतना ही रहेगा। रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, जितनी रिएक्टेंट की मात्रा होगी उत्पाद की मात्रा भी उतनी ही रहेगी। अब इस नियम को दिया किसने था? इस नियम को किसने दिया था? इस नियम को लेवोशिए ने प्रतिपादित किया था। इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था? लेवोशिए ने। ठीक है, क्योंकि लेवोशिए को जो है रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, तो इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेवोशिए ने
द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने यह बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है, जितना अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद होता है, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसी नियम को द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहते हैं। जितना आपका एक भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना आपका अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा, इसलिए इसको हम इस फार्मूले के द्वारा जानते हैं, अभिकारक की मात्रा बराबर उत्पाद की मात्रा। अब हम इसको एक उदाहरण के जरिए से समझेंगे, लेकिन आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को इस उदाहरण के जरिए से समझेंगे कि हम देखेंगे कि क्या वास्तव में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो एक नियम प्रतिपादित किया लेबोशियर ने, वो वास्तविकता में सही है या नहीं, उस नियम की पुष्टि होती भी है या नहीं होती है। जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम लेबोशियर ने प्रतिपादित किया है उस नियम को हम जो है जांचेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। तो हमको पता है कि 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो 92.6 ग्राम मरकरी और 7.4 ग्राम जो है ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आप 100 ग्राम मर्करिक ऑक्साइड को गर्म करें तो 92.6 ग्राम आपको मरकरी मिले और 7.4 ग्राम आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस नियम पे अगर हम पुष्टि करें इसकी, तो हम ले लेते हैं कितना HgO लिया जाता है आपका, इसको आप गर्म करेंगे, जब आप इसको गर्म करते हैं तो आपको मिलता क्या है, मरकरी मिल जाता है और मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हम बैलेंस कर देंगे 2HgO 2Hg, तो हमने मरकरी ऑक्साइड की कितनी मात्रा ली थी, 100 ग्राम, यानी कि जो हमारा अभिकारक है वो कितना है, 100 ग्राम का है, और हमें जो मरकरी प्राप्त हुई है, जो हमारा उत्पाद है वो कितना है, 92.6 ग्राम, और हमारी ऑक्सीजन कितनी प्राप्त हुई है, 7.4 ग्राम। तो हमने जो है नियम जो देखा था उसमें क्या होता था कि अभिकारकों की मात्रा बराबर उत्पादों की मात्रा, ठीक है। तो अभिकारकों की मात्रा बराबर उत्पादों की मात्रा, ठीक है। तो अभिकारकों की मात्रा कितनी होगी, 100 ग्राम बराबर, अब उसको हम ऐड कर लेंगे, दो प्रोडक्ट हमको मिले हैं तो दोनों की जो मात्राएं होगी उनको हम ऐड कर लेंगे, 7.4, तो हमारा बराबर आ जाएगा 6, 4, 7, ठीक है। 92.6 और 7.4 को अगर आप जोड़ दीजिए तो आंसर आता है 100 ग्राम, ठीक। यानी कि हमने 100 ग्राम अभिकारक से 100 ग्राम का उत्पाद प्राप्त कर लिया, अर्थात जो लेबोशियर के द्वारा दिया गया स्थिर अनुपात का नियम है वो इसकी पुष्टि हो रही है, और स्थिर अनुपात का नियम या जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो एकदम सही है, क्योंकि जितने अभिकारक की मात्रा थी उतनी ही उत्पाद की मात्रा निकल के आई है, ठीक है। तो इस नियम की पुष्टि इस उदाहरण के द्वारा हम कर लेंगे, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो रही है।